हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन इन्फेक्शन लाइफ स्टाइल इट इज़ लाइक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम थायराइड ब्लड प्रेशर सुगर एनजाइटी डिप्रेशन एंड द माइग्रेन लेकिन आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है आज हम बात करेंगे कि अश्वगंधा क्या है और अश्वगंधा से क्या शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं क्या चमत्कारिक लाभ होते हैं क्या सेक्सुअल डिस्फंक्शन ठीक हो सकता है क्या मानसिक शारीरिक दूर शक्ति आ सकती है दूर हो सकती है सॉरी टू से लेकिन अशुगंधा के बारे में जितनी सोशल मीडिया पे आपने चीज़ें पढ़ी हैं और देखी हैं नाइन्टी परसेंट क्लिनिकली फेक बात है वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है क्लिनिकली मेडिकली कोई प्रूवन डेटा ऐसा नहीं आया है कि अशुगंधा हमारी लाइफ को ड्रामेटिकली चेंज कर देगा और आपको हाथी शेर या घोड़ा बना देगा इंसान से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो ये जो सोशल मीडिया पे ज़ोर से चिल्ला के सेंसिटिव वे में दावे जो किए जाते हैं इन सब से प्लीज़ आप बचिए वरना आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है सोशल मीडिया पे जो आप गूगल पे कुछ पढ़ते हैं या यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं उसमें ये बहुत ध्यान से देखिए कि डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है एक्सपीरियंस क्या है और डॉक्टर का अपना नज़रिया क्या है उसके स्किल्स क्या हैं क्योंकि बहुत सारे हेल्थ कोच हेल्थ वर्कर ब्लॉगर्स ये सब वीडियो बना रहे हैं और उन्होंने पूरा ऐसे फैला दिया है कि जैसे अश्वगंधा से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी ये बिल्कुल गलत बात है बट यस yes, अश्वगंधा के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आपको जानना चाहिए देखो अश्वगंधा को आप एक मल्टीविटामिन से ज़्यादा कुछ नहीं मान सकते अश्वगंधा को आप प्लेसिबो से ज़्यादा कुछ नहीं मान सकते अश्वगंधा से ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा अब मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ कि अश्वगंधा से आपके स्वास्थ्य लाभ में दिमागी शारीरिक और सेक्सुअल जो हेल्थ है उसमें दस से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैक्सिमम टेन परसेंट आपको फायदा हो सकता है लेकिन ये भी वेरी करेगा कंडीशन टू कंडीशन कि आपको प्रॉब्लम क्या है इससे ज़्यादा अश्वगंधा का कोई रोल है नहीं और अश्वगंधा के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अश्वगंधा की प्योरिटी बहुत बड़ा सवाल है 90 परसेंट अश्वगंधा बेचने वाले जो लोग हैं वो उसमें भसम डालते हैं वो उसमें स्टीराइड डालते हैं वो उसमें नशे की दवा डालते हैं और वो उसके अंदर ब्यागरा डालते हैं और इसके कारण ही आप देखते हैं कि अश्वगंधा खाने से लोगों को काफ़ी गर्मी पैदा होती है काफ़ी एनर्जी पैदा होती है और लोग फौरी तौर पर या टेम्परेरी सेक्स को थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म भी कर लेते हैं लेकिन ये जो आप मिक्सचर ले रहे हैं ना ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा, बड़ा हार्मफुल है तो इससे आप पहले तो बचिए ये एक्स वाई जेड लेवल से भसम पुड़िया तेल अश्वगंधा ये खा के आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं होने वाली अब मैं बेसिक बात पे आता हूँ अश्वगंधा आप ले सकते हैं लेकिन केवल ये मान कर लीजिए कि ये एक सपोर्ट है ये एक विटामिन है इससे आपका जो रूट कॉज है जो समस्या है वो हल नहीं होगी अब वो कैसे हल होगी उसको समझिए पहले देखो सेक्स एक दिमागी व्यायाम है सेक्स को यदि आपको अच्छा करना है तो कनेक्शन बहुत जरूरी है टाइम देना पड़ेगा एक स्टेज से एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज को जीना पड़ेगा आप यदि दो स्टेज को जंप करके तीसरी या चौथी पे जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी मकैनिकल सेक्स करना छोड़ दीजिए टाइम दीजिए और रिश्तों में ये सोच के जीना शुरू कर दीजिए कि अब हमें सेक्स नहीं करना है केवल फोर प्ले के साथ जीना है तो एक दिन देखेंगे आपके फोर प्ले करते करते आपका सेक्स हो गया और बहुत अच्छा हो गया जब तक आप ऑफिस होकर सेक्स को करने की कोशिश करते रहेंगे और परफॉर्मेंस का प्रेशर लेके करते रहेंगे टाइम का प्रेशर लेके करते रहेंगे तब तक सेक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि सेक्स को मकैनिकल करके फोर्सफुल्ली करके किया नहीं जा सकता सेक्स और प्यार को यदि फोर्सफुल्ली किया जाएगा तो उसको वो बैकफायर करेगा और उससे डिप्रेशन और तनाव एनजाइटी पैदा होगी तो सेक्स तो नहीं होगा तो पहली बेसिक बात ये समझ लीजिए अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ कि सेक्स को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं तमाकू खाना छोड़ दीजिए दारू पीना छोड़ दीजिए कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए कोई भी डिब्बा बंद या पैकेट वाली चीज़ खाना छोड़ दीजिए टाइम से खाना खाइए एक्सरसाइज करिए पूरी नींद लीजिए और कीगल एक्सरसाइज करिए अब इसके बाद मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ खाने के अंदर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाइए एक से दो चम्मच देसी घी खाइए प्योर घी आठ से दस बादाम खाइए आठ से दस अखरो अखरोट खाइए अच्छे से दूध पीजिए प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए अपने खाने में और काप्स को कम करिए और डेली एक्सरसाइज करिए और अपने पार्टनर के साथ समय गुजारिए देखो ये बात है तो बड़ी अजीब सी लेकिन मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ जो लोग अपने बिस्तर पे अपनी वाइफ के साथ सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाते उन लोगों को मैंने प्रोफेशनल के साथ एक एक घंटे और आधा घंटे सेक्स करते देख सुनाए और देखा है लोग यहाँ आगे बताते हैं कि अपनी वाइफ के साथ हम कुछ नहीं कर पाए लेकिन वाली के साथ हमने बहुत कुछ कर लिया अरे भाई पैनिस भी वही था आपका शरीर भी वही था दिमाग भी वो ही था फिर ऐसा कैसे हो गया तो ये केवल आपका दिमागी बहम है कि आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गया या सेक्सुअली रूप से आप कमजोर हो गया ऐसा कुछ होता नहीं है ये 90% परसेंट मिथ परसेप्शन और आपका डर ही आपका दुश्मन बन जाता है तो टाइम गुजारिए बात करिए अपने को अपने ब्रेन को अपने शरीर को अपने पैनिस को तैयार होने का मौका दीजिए हार्मोन्स को एक्टिवेट होने दीजिए तो वो नेचुरली हो जाएगा तो दैट इज़ द ओनली वे अजगंधा लिया जा सकता है लेकिन ये मान के लीजिए कि दैट इम्पैक्ट द टेन परसेंट नॉट हंड्रेड परसेंट इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा लेकिन केवल दस परसेंट इसकी प्योरिटी का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप हिमालय का या जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उसका आप ले सकते हैं लेकिन कोई भी सब स्टैंडर्ड कंपनी का अजगंधा या खुला हुआ या पुड़िया फॉर्म में असगंधा वो स्टीरोयड हो सकता है उसमें भसम हो सकता है उसमें नशे की दवाई हो सकती है उसमें व्याग्रा हो सकती है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी तो वो आप मत लीजिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर और सर